हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हर कोई अमीर घर की औरतों से दोस्ती करके उनके साथ मस्ती करना चाहता है, लेकिन हर किसी को ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आज हम आपके लिए यही वीडियो लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आप अमीर घर की औरतों से दोस्ती कर सकते हैं, और वो भी फ्री में, और वो भी आपके साथ दोस्ती करेंगी, और जो आप चाहते हो वो सब आपको देंगी, और वो भी फ्री में। तो चलिए, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, आजकल के कलयुग में कुछ भी हो सकता है। पहले कहा जाता था कि 7 बजे के बाद लड़कियों को घर से निकलने नहीं देना चाहिए, मगर अब आपको लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी घर में बंद करने की नौबत आ गई है। जहां एक तरफ लड़के रात में लड़कियों का सौदा करते हैं, वही अब अमीर घर की औरतें भी मर्दों का सौदा करने में पीछे नहीं रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मर्दों का सौदा भी होता है, और वो भी भारत के सेंटर में। भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में अमीर घर की औरतें लगाती हैं मर्दों की बोली, और इन जगहों पर आम लड़का जाने से पहले 50 बार सोचता भी है। इस दौर में जहां एक महिला की आबरू के सौदागर फैले हुए होते हैं, वही मर्दों की बोली लगाकर कुछ लोग उनसे पैसे भी कमाते हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरी कायनात है तो क्या। दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां रात में 10 बजे के बाद लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का जाना मुश्किल होता है। इन लड़कों में जाने से आम लड़के डरते हैं, क्योंकि यहां पर औरतों की नहीं बल्कि मर्दों की बोलियां लगाई जाती है, और अमीर घर की औरतें इन्हें पैसा देकर एक रात, दो रात या फिर कुछ घंटों के लिए लेके जाती हैं। दिल्ली में ऐसी कई जगह है जहां शाम होने के बाद ही मर्दों का बाजार सजने लगता है। उन जगहों पर जहां जहां इन मर्दों की मार्केट लगती है, उन्हें जिगोलो मार्केट कहा जाता है। यहां अमीर घर की औरतों मर्दों को खरीदने के लिए आती हैं। जिगोलो मार्केट में मर्दों की मुंह मांगी कीमत भी दी जाती है। इन कारोबारों के रात 10 बजे के बाद शुरू होते हैं, जो सुबह 4 बजे तक चलते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो ये कारोबार कानून से छिपकर किया जाता है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में इसे खुलेआम भी किया जाता है। उन इलाकों में सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, पालिका मार्केट और कमला नगर मार्केट जैसी पब्लिक प्लेसेस और चहल पहल वाली जगह हैं, जहां रात को मर्दों का सौदा किया जाता है। कुछ घंटों के लिए जिगोलों की बुकिंग की कीमत 1800 रुपये से लेके 3000 रुपये तक होती है, और पूरी रात की कीमत जान के तो आप हैरान हो जाओगे, 8000 रुपये तक की डील हो जाती है। दोस्तों, इस कारोबार को दिल्ली के कई युवा अपना प्रोफेशन बना चुके हैं, तो कई अपनी जरूरतों के पूरा करने के लिए ऐसा जरूर करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ डीलिंग का पूरी काम एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। जिस मर्द की बोली लगती है, उस मर्द को अपनी कमाई का 20% हिस्सा उस संस्था को देना होता है जहां वो इस सिस्टमेटिक काम को अंजाम दे पाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मर्दों की पहचान कुछ अलग ढंग से यहां पे की जाती है। उनके गले में जिगोलो रुमाल और पट्टे बांध दिए जाते हैं, और कौन सा लड़का कितने में बिकेगा वो इन रुमाल की लंबाई से पता चलता है। और फिर अमीर घर की औरतें यहाँ पे आती है और पुरुषों को खरीदती है, मर्दों को खरीदती है और उन्हें इस्तेमाल करती है। लेकिन आप ये जब बात जान के हैरान हो जाओगे कि कई सारे यहीं से दोस्त बन जाते हैं, और एक बार अगर दोस्त बन गए तो उस लड़की को भी आपको ज्यादा पैसा देना नहीं होता है, या फिर वो बस आपके ऊपर खर्च करती है क्योंकि वो बहुत अमीर होती है, और आप भी उसके साथ बहुत सारी मस्ती कर सकते हो और आप उसके हो सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो था जिगोलो के बारे में, जहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह से अमीर घर की औरतों से दोस्ती कर सकते हो और उनके साथ मस्ती भी कर सकते हो, और कहीं कहीं तो लाइफ टाइम पार्टनरशिप भी बन जाती है ऐसे ऐसे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ख़ासकर नज़दीकी दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।